गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7:30 हुए हैं, आज मैं 6:30 उठी थी क्योंकि कल रात मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ है, हेडेक पूरा ईयर से लेके पूरा बैक हेड से फ्रंट तक वो पेन आ गया था। तो मुझे लगा नहीं था मैं सो पाऊँगी, लेकिन थैंकफुली मैंने PCM ले ली क्योंकि मेरे पास कोई भी और मेडिसिन नहीं थी। PCM लेके मैं सो गई, अराउंड 9:30 मुझे नींद आ गई। और ये तो उम्मीद से पहले सो गया था, इसके पापा नहीं थे कल घर पे, तो मुझे लगा था आज तो दिक्कत होने वाली है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये जल्दी सो गया था, मुझसे पहले ही सो गया तो नींद पूरी हो गई। और सुबह मैं 6:30 उठी हूँ। अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में आलू बैंगन बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिन से फ्रिज में रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, वैसे त्यौहार का दिन है और त्यौहार का टाइम है और संडे है, तो मे भी लोग विशेष के लिए आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। फिलहाल तो पहले हम अपना स्नान कर लेते हैं। और मैं नहा धो के यहाँ पे फ्रेश हो गई हूँ। हालांकि अभी भी मेरी आँखों में स्वेलिंग है, आपने क्लिप में देखा ही होगा पहले। मुझे ये पेन कब सडनली स्टार्ट हो जाता है समझ नहीं आता, लेकिन बहुत इनटॉलरेबल हो जाता है। जब तक मेडिसिन ना लूँ तब तक सही नहीं होता है। आई डोंट नो क्या दिक्कत है और किस वजह से ये मुझे पेन होता है। और मैं अभी नहा धो के जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाते ही मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया और सब्जी कट कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी यहाँ पर छोक दी है। तो सुबह सुबह बस ये सब्ज़ी बनाई फटाफट से, मैंने यहाँ पर आटा भी लगा दिया। और ऑब्वियसली मशीन में आटा लगाते हो तो जल्दी से लग जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और काफ़ी हैबिट हो गई है इस आटा मशीन की। हाथ से गूंथने में तो फ्रेंकली बताऊँ मुझे बहुत आलस आता है, और थैंकफुली यहाँ पे मशीन है। मुझे दो काम बिल्कुल पसंद नहीं थे स्टार्टिंग से ही, एक कपड़े वॉश करना और एक आटा गूंथना। बट ठीक है, आज की डेट में हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास में, और ऑब्वियसली इंसान का काम भी काफ़ी इजी हो गया है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे रोटियाँ बेल रही हूँ। और आज मैं अपनी बैंगल सेट कर रही थी, मैं चूड़ा देख रही थी, मेरा चूड़ा पूरा बिखरा हुआ है। दो तीन चूड़े हैं मेरे पास और सारे ही बिखरे हुए हैं। और ये बैंगल्स मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि कहाँ से ली थी और कब ली थी, और बाद पे ध्यान आया कि ये तो मुझे कुआं पूजन पे शगुन के तौर पर मिली थी। तो ड्रेसिंग का हाल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ इतना बिखरा हुआ है क्योंकि अनपैकिंग के टाइम मैंने बहुत फैला दिया है सारा काम। तो बस उसी को मैं अभी सही कर रही थी। और ये चूड़ा मैंने अपनी तरफ से लिया था और ये मुझे ससुराल की तरफ से मिला था, एंड तीसरा चूड़ा मैंने यूं ही बस शौक शौक में ले लिया। और मैंने डिनर बना लिया है आज, मिक्स दाल बनाई है सिंपल सी, और
आटा भी मैंने लगा लिया है, तो थोड़ा मिस्सी सा आटा मैंने लगाया है। अभी तो 6:30 हुए हैं और डिनर मैंने बना के रख दिया है, तो बाहर चलते हैं थोड़ी देर। इसके पापा भी आ गए हैं, तो अभी वो वही संभाल रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाहर चलती हूँ। अभी तो मौसम सही हो गया है बाहर भी, और बहुत अच्छा लगता है। शाम का मौसम तो सही हो गया है, हालांकि फ़ैन अभी बंद नहीं हुए हैं, पर मौसम सही है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, बहुत सुंदर गुलाब खिलने शुरू हो गए। ये देखिए, गुलाब लगने शुरू हो चुके हैं, खिल रहे हैं थोड़े बहुत। ये बैकग्राउंड में आपको अच्छा म्यूज़िक आ रहा होगा, कितना अच्छा बोल रहा है ये, जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन सा पक्षी है। और फिलहाल तो गार्डन भरा भरा है। मैं भूल गई ये ये देखिए, इसमें एक अमरूद लग रहा है, अभी लगा हुआ है छोटा सा एकदम। और ये बैंगन के पेड़ हैं, और ये देखिए छोटा सा बैंगन इसमें लगना शुरू हो गया। एक बैंगन एक दिन हमने निकाला भी था, तो बैंगन भी लग रहे हैं। छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पॉट में लगा के रखे हैं। और चलिए, कपड़े भी इसके सूख गए हैं, कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन रात में बच्चे के कपड़े मैं बाहर नहीं रखती हूँ, तो थोड़ी देर में इनको उठा लूँगी, एक बार इनको पलट लेती हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी सूख जाएं। एंड अभी ये बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे अपने ससुर जी, यानी मेरे पापा से बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब हस्बैंड ऐसे शाम को मेरे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग जब पीछे गार्डन में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अब तो बेबी भी साथ में है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लोरा, अरे भाई। एंड अभी 7:30 के अराउंड हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं इनके दोस्त के यहाँ उन्हें दिवाली विश करने। The next day. आज है मंडे, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू और सेम की मैंने फली बनाई है, आटा भी लगा लिया है, और साथ में बन रहे हैं सूजी और बेसन के चीला, जिसमें मैंने ग्रीन और रेड कैप्सिकम दोनों का ही इस्तेमाल किया है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हो रहा है हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम। हाँ जी, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खुदा हुआ है। प्रॉपरली वर्क हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। श्रेयांश, वो देखो दो कबूतर बैठे हैं, देखो दो कबूतर, देखो कबूतर उधर, देखो ऊपर देखो। तो चीले को गैस पे छोड़ के मैं तो बाहर आ गई, क्योंकि हस्बैंड और बेबी के साथ में बाहर आए थे और मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। जनरली मैं बाहर आती नहीं हूँ, क्योंकि वॉक अब छूट चुकी है पूरी, तो बस जब मुझे कहीं यहाँ वहाँ जाना होता है तो ही मैं बाहर आती हूँ। लेकिन आज मुझे बाहर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा सुबह का मौसम देखा है, और सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है वेदर। एंड वापस आके फिर से चीले के काम में लग गए, तो बेबी का यही रहता है, एक गोद से दूसरी गोद में शिफ्ट होता रहता है, और जब जिसकी गोद खाली होती है तो उसकी गोद में चढ़ जाता है, तो इस दौरान जो भी फ्री हो उसी को काम सौंप दिया जाता है, जैसे यहाँ हस्बैंड कर रहे हैं। अब वो मेरी गोदी में आ गया और हस्बैंड ने यहाँ पे चीला बना रहे हैं, और आज का चीला बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत बढ़िया, हर चीज़ बैलेंस थी, और एक जो क्रिस्पी क्रिस्पी फ्लेवर उसमें आया था, टेक्सचर चीले का, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था।
एंड हम दोनों ने फिर साथ में ही अपना ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हस्बैंड चले गए अपने काम से। मैं नहा धो के फ्री होगी, बेबी को सुला दिया और फिर उसके बाद मैंने अपना नेल पेंट लगाना शुरू किया। आजकल मुझे काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है, मैं अपने नेल पेंट चेंज करती रहती हूँ और नेल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देती। जब भी लगता है नेल पेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो एकदम से बस रिमूव करके दूसरा लगा लेती हूँ। और ये नेल पेंट मैंने ज़ूडियो से लिया था। ज़ूडियो में नेल पेंट और लिप बाम का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैं लिप बाम लेके आई थी वहाँ से, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। एंड इसके बाद दोपहर में मैं किचन में आ गई और मैंने देखी ये क्रॉकरी वाली जो अलमीरा है, इसका हाल थोड़ा सा बुरा था तो मैंने इसका क्लीनिंग करना शुरू किया। और ये मग मैंने आज निकाल दिए, ये लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे दी ने हमें गिफ्ट दिए थे तो मैंने आज इनका मुहूर्त निकाल दिया क्योंकि बहुत से लोग अब घर पे आते रहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे अच्छे अच्छे कप्स हों सर्विंग के लिए, तो बस उसी के काम में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। और मैंने सेट कर दी है क्रॉकरी रैक, जैसे भी मेरे से हो पाया मैनेज कर लिया, लेकिन इसका एक जो पोर्शन है ये टूट गया है। एक्चुअली मिरर जो इसका नीचे का बेस का है वो तो सही है लेकिन उसका जो जॉइंट है वो टूट चुका है, तो अब इसमें थोड़ा सा कम क्रॉकरी आती है, अदरवाइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती थी। और जो एक्स्ट्रा कप्स थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने ये ग्लासेस थोड़े से वॉश किए स्टील वाले, पता नहीं क्यों इनमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, हालांकि जहाँ मैं इन्हें रखती हूँ वहाँ पे इन्हें मैं काफ़ी टाइम से रखती आ रही हूँ, लेकिन अब मुझे इसमें स्मेल फील होने लगी तो मैंने इनकी जगह भी चेंज कर दी और इन्हें अच्छे से वॉश भी कर दिया क्योंकि मैं पानी इन्हीं ग्लासेस में पीती हूँ और मुझे दूसरे ग्लासेस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड काम करते करते मुझे लगाई तेज़ भूख क्योंकि ऑब्वियसली सुबह चीला खा रखा था तो इस टाइम पे भूख लगी थी, सो लेफ़्ट ओवर सब्जी रखी थी। मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई और राई वाली मिर्ची ले ली और बस अपना लंच फिनिश किया। और अब मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ इवनिंग में एंड यहाँ पर टी बना रही हूँ। एक्चुअली कल लाइटिंग के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, दिवाली वाली लाइटिंग, तो उन्हीं के लिए पापा चाय बनवा रहे थे और साथ में मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है दाल चना की मैं बनाने वाली हूँ आज डिनर में। इसके पापा लेट आने वाले हैं, अदरवाइज़ मेरा पनीर की सब्ज़ी बनाने का बहुत मन था पर वो लेट आएंगे और उस टाइम पे वो हैवी डिनर करेंगे नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया पनीर। घर के बाकी लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो मैंने आज नहीं बनाया। और यहाँ पर दाल का तड़का शुरू कर दिया मैंने, तो सबसे पहले ऑयल में थोड़ा सा घी ऐड किया और जीरा भुनने के बाद लाल मिर्ची डाली और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर को मैंने ग्रेट किया है, टमाटर हल्के कुक होने लगे तो मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और दाल हमारे यहाँ पर बॉयल होगी। लास्ट में अमचूर भी डाला था, हरा धनिया नहीं है अदरवाइज़ वो भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना सुंदर मंदिर अब जगमगाने लगा है, बहुत अच्छा सजाया है मम्मी ने और घर की लाइटिंग भी लग चुकी है, आप लोग बाहर देख सकते हो। तो यही था गाइस आज का हमारा व्लॉग और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, आपकी लाइफ में खुशियां आए और धन की खूब बारिश हो जाए और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो कन्हैया जी हमारे बहुत सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उनके भी कपड़े यहाँ पे मम्मी ने चेंज किए हैं,
तो यही था गाइज आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।